हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अमित चड्ढा है। मैं बिलोंग उदयपुर से करता हूँ। मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप उदयपुर से ही हूँ। मेरी एज जो है 40 ईयर्स से, और 40 साल से मैं उदयपुर में ही हूँ। मेरी फैमिली में जॉइंट फैमिली है, फादर, मदर, ब्रदर, भाभी, मेरी वाइफ और मेरी डॉटर। हम 6 लोग हैं फैमिली में और यहीं उदयपुर में ही रहते हैं हम। फादर ब्रदर का बिजनेस है। जो मेरी भाभी हैं वो लेक्चरर है निरमा यूनिवर्सिटी अहमदाबाद में। मेरी वाइफ हाउस वाइफ है और मेरी डॉटर सेंट मैरिज में पढ़ती है। और मैं अर्बन स्क्वायर में जॉब करता हूँ। हमारी कंपनी का नाम है टाइम स्टार ट्रेडिंग कंपनी, जिसने अर्बन स्क्वायर में सेलिंग राइट्स ले रखे हैं। तो मैं टाइम स्टार ट्रेडिंग कंपनी में एज असिस्टेंट जनरल मैनेजर काम करता हूँ पिछले 3 साल से। उससे पहले मैंने रियल एस्टेट जो स्टार्ट किया था, मैंने फर्स्ट प्रोजेक्ट जो था मेरा रॉयल राजविलास था, जो कि शोभकपुरा पे है। 2011 में मैंने वो ज्वाइन किया था और तब से मैं रियल एस्टेट में ही वर्क कर रहा हूँ। उससे पहले की अगर बात करते हैं तो मैं फार्मास्यूटिकल बैकग्राउंड से हूँ। मैंने 2003 में अपना करियर स्टार्ट किया था एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, एंड मैंने 2011 में लेफ्ट किया फार्मा सेक्टर एज ए फर्स्ट लाइन ए से। और उसके बाद से फिर मैं रियल एस्टेट में हूँ और मैंने यहीं पे काम कर रहा हूँ। मेरी लाइफ में सबसे स्ट्रगल पीरियड जो था, जब मैं 12th क्लास में था, फादर का बिजनेस था, काफ़ी अच्छा बिजनेस था, और देन सडनली सब वाइंड अप करना पड़ा हमें। कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ गई थी, दैट्स वाई हमने ब्रेड फैक्ट्री लगाई थी, मैन्युफैक्चरिंग थे। तो उसके बाद से हमारा स्ट्रगल टाइम स्टार्ट हुआ था। ड्यू टू सपोर्ट ऑफ मेरे ब्रदर का, मेरी सिस्टर का काफ़ी सपोर्ट रहा हमारी फैमिली को। हमने तब से, ब्रदर तब से जॉब कर रहे हैं, 2001 से जॉब कर रहे हैं। मैंने भी छोटी मोटी जॉब्स की थी उस समय, 2001, 2002, 2003 तक। अपनी ग्रेजुएशन के साथ साथ में मैं जॉब भी कर रहा था, और मेरी सिस्टर, बड़ी दीदी जो हैं, वो घर में ट्यूशन पढ़ाती थी। तो इसी तरह से ये हमारा बहुत स्ट्रगल पीरियड था, बट हमने होप नहीं छोड़ी। मम्मी पापा साथ में थे, उनका सपोर्ट मिलता रहा, हम अपना काम करते रहे। ठीक है, लाइफ में आते रहते हैं स्ट्रगल टाइम, बट अब सब वेल एंड गुड है, अच्छा चल रहा है। और काफ़ी अच्छा बिजनेस सेटअप भी कर लिया ब्रदर ने, पापा ने। मैं अपनी जॉब में सेटिस्फाइड हूँ। मेरी लाइफ में मेरे को जो इंस्पिरेशन मिलता है, वो सबसे पहले मेरे को मेरे फादर से मिलता है, मेरे ब्रदर से मिलता है, क्योंकि मैंने उनका स्ट्रगल टाइम देखा हुआ है। वो स्ट्रगल करते थे तो उनके साथ साथ में मुझे भी स्ट्रगल करने की हैबिट, मतलब एक वो हवा क्या कि मैं भी स्ट्रगल कर सकता हूँ और उसमें से कैसे बाहर निकलना है हमको, वो चीज़ मैंने उनसे सीखी है। देन इसके अलावा अगर मैं फार्मास्यूटिकल लाइन की बात करता हूँ, तो मेरे सबसे बड़े इंस्पिरेशन जो थे वो मिस्टर उमंग बामरी थे, जो मेरे वेरी फर्स्ट मैनेजर थे। उन्होंने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया फार्मास्यूटिकल में। मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, फिर भी मैंने फार्मा में उनके डायरेक्शंस पे चल चल के काफ़ी अच्छा सक्सेस स्टोरी दिया है वहाँ पे। देन उसके बाद अशोक सर हैं मेरे, जो भी फार्मास्यूटिकल से लिंक करता है, उन्होंने भी मुझे काफ़ी सिखाया फार्मा में। और इसके बाद अगर मैं रियल एस्टेट की बात करता हूँ, रियल एस्टेट में मेरे दो तीन गुरु हैं। सबसे पहले जो गुरु हैं, जब मैंने रॉयल राजविलास ज्वाइन किया था, तो उस समय मेरे जो गुरु जी थे कृपेश सर, आज भी वो मेरे साथ में टच में हैं। मैं उनसे अच्छी तरह से बात करता हूँ, वो भी मुझे मिलते हैं, करते हैं। उन्होंने मुझे रियल एस्टेट का ABC सिखाया था उस समय, 2011 में, जब मैं इसमें नया नया था। उसके बाद जब मैंने अर्बन स्क्वायर ज्वाइन किया, तो सबसे पहले मेरे लाइफ में मिस्टर BK खट्टर, जो हमारी कंपनी के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने मुझे कमर्शियल सेल करने का ABCD सिखाया। फिर शिवम सर आए, उनके जो बेटे हैं, उन्होंने मुझे ब्रांड्स के साथ में कैसे डील होता है, क्या होता है, वो सारी चीज़ें उन्होंने मुझे सिखाई। तो ये इन सब ने मुझे कहीं ना कहीं मेरी लाइफ में काफ़ी अच्छा मुझे सपोर्ट किया है और मुझे सिखाया है। तो इसीलिए मैं इनको अपना इंस्पिरेशन मानता हूँ और इनके साथ में हूँ। एक जो कोट है वो अगर मैं बात करूँ, तो हालांकि वो कोट नहीं है, बट हाँ ये चीज़ है कि कृपेश सर बोलते थे कि लोगों से दोस्ती करो। शिवम सर का भी यही कहना है, लोगों से दोस्ती करो, उनको सेल नहीं करो, गुड सेल नहीं करो, अपना प्रोडक्ट सेल नहीं करो, उनसे दोस्ती करो, उनकी रिक्वायरमेंट जो है वो समझो और फिर उनको बताओ कि तुम क्या चीज़ दे रहे हो। तो ये चीज़ मेरी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा हेल्प रही इसमें। अगर कोई बंदा रियल एस्टेट में आना चाहता है, तो
तो सबसे पहली चीज तो उसको क्यों आना है, क्या आना है, ये मैं बताना चाहूंगा। रियल एस्टेट एक ऐसा सेक्टर है जो कभी भी मंदी के दौर में नहीं जाता है। आज लोग बाग बोलते हैं कि आज इधर रियल एस्टेट में मंदी चल रही है, ये चल रही है, वो चल रही है। हमने अपना प्रोजेक्ट 2017 में स्टार्ट किया था, अर्बन स्क्वायर। आप सब लोग जानते हैं उस समय सब लोग बोलते थे मंदी है, मंदी है, मंदी है। बट हमने ऑलमोस्ट 2017-18 में 100 करोड़ का माल बेचा था उदयपुर, उदयपुर में, सराउंडिंग उदयपुर और उदयपुर में मोस्टली। तो इसलिए मैं कहता हूं कि रियल एस्टेट में कभी मंदी नहीं आती है। लोगों को मकान चाहिए, लोगों को दुकान चाहिए ही चाहिए होती है, लोगों को कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करना होता है, तो सबसे पहला पॉइंट आता है उनके पास रियल एस्टेट। तो रियल एस्टेट ऐसा सेक्टर है जहां पे आपको कभी मंदी का दौर नहीं मिलेगा, आप हमेशा उसमें कुछ ना कुछ करते रहेंगे। तो इसलिए मैं कहूंगा अगर कोई बंदा इसमें आना चाहता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये नेगेटिव पॉइंट निकाल दे कि कोई मंदी है, तो वो इसमें आ जाए। दूसरा, आपको इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है, इसमें क्या क्या चीज आपको चाहिए कि आप रियल एस्टेट में आ सकते हैं। सबसे पहला तो आपको चाहिए कि आपको सुनने की आदत होनी चाहिए। सामने वाला बंदा क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, वो आपको पहले सुने, उसको समझे, फिर आप अपनी चीज उसको बताएं। ये सबसे मस्ट पॉइंट है रियल एस्टेट में आने के लिए। उसका दूसरा होता है कि आप फ्रेंडली नेचर के होने चाहिए, शॉर्ट टेम्पर नहीं होना चाहिए कि भैया बंदा कुछ भी कहे, आपको सुनना है और आपको समझना है और उसके बाद आपको डिलीवर करना है वो चीज़। तो ये मेन दो स्किल्स आपको चाहिए जो रियल एस्टेट में आपको काफ़ी आगे तक ले जा सके। अगर मुझे पास्ट में भेज दिया जाएगा तो मैं सोचता हूँ कि जो मैं हूँ वही मैं रहना चाहूँगा, क्योंकि एक बोलते हैं कि भगवान ने आपको अच्छा, सबसे अच्छा बना के भेजा, जो आप में काबिलियत है वही आपको दी है भगवान ने, तो इसलिए उसको चेंज करने से कोई मतलब नहीं है। अगर मैं उसको चेंज करूंगा तो हो सकता है मैं फेल हो जाऊं या हो सकता है मैं सक्सेस हो, बट सक्सेस के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि भगवान ने आपको जो बनाया है वो सबसे अच्छा बनाया है। इसलिए मैं जो चाहूंगा, जो मैं हूं मैं वैसा ही रहूं और वैसा ही चलता रहा जी। मेरा बॉर्न एंड ब्रॉट अप जो है उदयपुर का ही है, मैं यहीं पला बड़ा हुआ हूँ, और मेरी स्कूलिंग जो हुई है वो गुरु नानक पब्लिक स्कूल से हुई है, शास्त्री सर्कल से। और सबको स्कूल लाइफ काफ़ी अच्छी लगती है, सबको स्कूल लाइफ काफ़ी याद भी रहती है, तो मेरी जो पास्ट मेमोरी है वो स्कूल से ही है, थोड़ी शैतानी भरी है। ठीक है, मैंने मैडम के सामने कुछ नाटक किया था और मैडम को मैं आज सॉरी बोलना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे उस समय सॉरी बोला था कि मेरी गलती है, बट हाँ उनकी गलती नहीं थी ना ही मेरी गलती थी, बट फिर भी मैं मैडम को आज इस मीडिया के वाया उनको सॉरी बोलना चाहूँगा। ये तब की बात थी, शायद मैं 6th या 7th क्लास में हुआ करता था। हमारे स्कूल बहुत छोटा था तो वहाँ पे जो प्लेइंग के लिए पीरियड होता था तो वो हमारे टेरेस पे होता था पीटी के लिए, तो हम सब पीटी करने छत पे गए थे, और मैं उस समय क्लास का शैतान बच्चा भी था तो मॉनिटर भी था, क्योंकि वो होता है ना जो बुरा बंदा हो, बैड बॉय हो, उसी को मॉनिटर बना दो तो वो पूरी क्लास को संभाल लेता है। तो मेरे को मॉनिटर बना दिया था मैडम ने, नायदा टीचर थी हमारी, उस समय साइंस पढ़ाती, साइंस और मैथ्स पढ़ाती थी वो। तो हम जैसे ही वो पीरियड खत्म, हम पीटी करने छत पे गए, देन उसके बाद खत्म करके हम नीचे आ रहे थे तो सब बच्चे शोर कर रहे थे, तो मैंने उनको थोड़ा सा, मैं ठीक है शैतानी में बचपन में होता है सब शैतानी करते हैं, तो मैं उनको थोड़ा धीरे शोर करने के लिए बोल रहा था, शोर मत करो, धीरे धीरे चलो, दूसरी क्लासेस भी चल रही है, बट वो नहीं मान रहे थे, तो मैंने भी उनका थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया, ठीक है चलो जल्दी जल्दी चलो। तो इतने में हमारी क्लास टीचर नीचे आ गई सीढ़ियों में और उन्होंने सबको स्केल से पनिश किया, तो सबको दो दो हाथ पे पड़ी, तो नेक्स्ट डे मैंने अपने हाथ पे क्रैप बैंडेज बांध के चला गया। तो मैडम ने बोला क्या हुआ, मैंने मैडम को बोला मैडम देखो मैं तो शोर कर नहीं रहा था, मैं तो सबको चुप करा रहा था, बट आपने मुझे भी मारा तो मेरा इससे गलत जगह पे लग गई और मेरा इसमें क्रैप बैंडेज की बांधना पड़ा, मुझे दर्द हो रहा है, तो ये मेरी शैतानी थी और उसके लिए मैं मैडम को सॉरी बोलना चाहूंगा आज इस मीडिया के थ्रू। लाइफ में एक पीरियड ऐसा आता है जब आपको ऐसा लगता है कि मेरी एजुकेशन आपको सपोर्ट नहीं, अब मेरे को सपोर्ट नहीं कर रही है, बट ऐसा कभी भी नहीं होता है। लाइफ में हमेशा आपकी जो एजुकेशन है वो आपको सपोर्ट करती है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि एजुकेशन और कैरियर दोनों ही इक्विवेलेंट हैं, उसमें से कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। हाँ अगर मेरे को चॉइस करने का मिलेगा तो फिर मैं कहूँगा कि एजुकेशन मस्ट है, आज के टाइम पीरियड पे एजुकेशन के साथ में ही चलना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन ही आपको सिखाता है कैसे आपको प्रैक्टिकल करना है, थ्योरिकल। हालांकि आजकल लोग बाग बोलते हैं कि एजुकेशन सिर्फ थ्योरी है,
बट थ्योरी ही आपको सिखाता है कि आपको प्रैक्टिकल में क्या कैसे करना है। तो दैट्स व्हाई मैं ये मानूंगा कि एजुकेशन इज मस्ट और एजुकेशन अच्छा। वर्क के साथ में अगर मैं बात करूं तो मेरा सबसे अच्छा टाइम पास जो बोलते हैं हम, क्योंकि आज के टाइम पे टाइम मिलना बहुत बड़ी बात हो गई है, आजकल सबका हैक्टिक हो गया है शेड्यूल। तो मेरा कोविड से पहले, आज कोविड की वजह से सबका लाइफ स्टाइल चेंज हो गया है, बट कोविड से पहले मेरा टाइम था ये कि मैं संडे संडे क्रिकेट खेलने जाता था, और वहाँ पे हमारा पूरा अच्छा ग्रुप बना हुआ था, तो उस ग्रुप के साथ में मस्ती करना, खेलना, सब एंजॉयमेंट, एक दिन का एंजॉयमेंट होता था, वो चीज़ है मेरे लिए। देन उसके अलावा एक मेरी डॉटर है, डॉटर के साथ में टाइम स्पेंड करना सबको अच्छा लगता है, तो वो मेरा है ये चीज़ है। वर्क के अलावा मेरे यही दो ही मेन वो है। एक मेरा सबसे अच्छा टाइम जो होता है मेरी डॉटर के साथ में, नाइट में जब वो मेरे पास आती है और वो बोलती है पापा मुझे स्टोरी सुनाओ, बट मैं उसको कभी कभी मना कर देता हूँ क्योंकि लेट नाइट हो जाती है। मैंने उसको टाइम दे रखा है कि अगर वो 11:30 बजे से या 12 बजे से पहले मेरे पास आ गई, क्योंकि वो मेरे घर में इकलौती छोटी डॉटर है, छोटी बच्ची है, सबकी लाडली है, दादी दादा की भी, बड़े मम्मी पापा की भी, तो वो सबके पास घूमती रहती है, तो इसलिए मैंने उसको गोल रखा है तो 11:30 से 12 बजे के बीच में तुम मेरे पास आ गए तो मैं तेरे को स्टोरी सुनाऊंगा, अदरवाइज नहीं सुनाऊंगा। और जब वो 12 बजे बाद आती है और वो मुझे जिद करती है, तो मुझे उसके साथ में बहुत मस्ती करने में मजा आता है, तो वो मेरा एक हैपनिंग टाइम होता है वो चीज़। जैसे कि मैंने आपको बताया था मैं अर्बन स्क्वायर में जॉब कर रहा हूँ, तो अर्बन स्क्वायर की अगर हम बात करें तो अर्बन स्क्वायर जो है राजस्थान का सबसे बड़ा मॉल बन रहा है और हमारे शहर उदयपुर में बन रहा है। इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन है, अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसके लिए काफ़ी सारे ऑप्शन है, लाइक छोटी दुकानें भी हैं जिसे हम जनपद का नाम देते हैं, इट्स जस्ट लाइक वर्ल्ड ट्रेड पार्क का दुबई बाजार सबने देखा होगा, या गूगल पे नेट पे आप देख सकते हैं उस चीज़ को, वो इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। देन इसके अलावा हमारे पास कुछ ब्रांड्स हैं जो ऑलरेडी हमने लीज कर लिया है, तो उस ब्रांड्स के साथ में हम प्रॉपर्टी को सेल कर रहे हैं और ब्रांड के साथ में टाइप करके आपको रेंटल इनकम प्रोवाइड करा रहे हैं। अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा न्यूज़पेपर में एड्स वगैरह देखे होंगे हमारे, तो उसके अंदर हमने एक नया प्रोडक्ट निकाला है उदयपुर में फर्स्ट टाइम, सर्विस अपार्टमेंट का। ऑल ओवर इंडिया वर्ल्ड में सर्विस अपार्टमेंट फेमस है, बट उदयपुर में ये फर्स्ट टाइम हम लेके आ रहे हैं सर्विस अपार्टमेंट, तो वो आज की डेट में हमारा हॉट कैक है, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं करना चाहे तो। लास्ट में मैं थैंक्स कहना चाहूंगा वर्क मॉप को, वर्क मॉप ने मुझे प्लेटफॉर्म दिया कि मैं आप तक अपनी कहानी, अपनी बात आप तक पहुंचा सकूं। अगर आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी या ऐसा कोई थॉट है जो आप पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया में आप देना चाहते हैं, तो आप भी कांटेक्ट कर सकते हैं वर्क मॉप पे। आप चाहें तो मुझे फॉलो कर सकते हैं, आप चाहें तो मेरी कोई हेल्प चाहिए आपको तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं उसके थ्रू आपको रिप्लाई दे दूंगा। तो इसलिए वंस अगेन थैंक यू वर्क मॉप, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।